दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे लहंगे होते हैं, खासकर नेट के बने हुए लहंगे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि नेट की साड़ियों को कैसे धोते हैं। तो ये मेरे यहाँ का नेट का लहंगा है दोस्तों, आप देख रहे हैं इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर नाजुक है, परंतु ये अब मैला हो चुका है। वैसे भी लाइट कलर है दोस्तों, तो मैला जल्दी होता है, और ड्राईक्लीन में दो तो 300 से कम लगते नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आज इन्हें वॉश करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेबी शैम्पू लिया है, आप किसी भी कंपनी का बेबी शैम्पू ले सकते हैं, जॉनसन का ले सकते हैं, हिमालय का ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप वो शैम्पू ले। तो मैंने एक चम्मच बेबी शैम्पू लिया है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे आप चाहें तो सादा शैम्पू भी ले सकते हैं, परंतु जो बेबी शैम्पू होता है, बच्चों का शैम्पू, वो बहुत ही माइल्ड होता है और हमारे कपड़ों पर कोई भी बुरा असर नहीं आने पाता। जितना स्ट्रॉन्ग हम साबुन लेंगे, डिटर्जेंट लेंगे, उतना ही बुरा हमारे कपड़ों पर असर आता है, इसलिए हमें हमेशा माइल्ड सोप का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने बेबी शैम्पू लिया है दोस्तों, बहुत ही माइल्ड होता है। आप जब भी महंगे कपड़े धोएं दोस्तों, तो कोशिश करें कि बेबी शैम्पू का यूज़ करें, चाहे वो आपकी सिल्क की साड़ियाँ हो, चाहे आपकी वो जरी की साड़ियाँ हो, तो आप हमेशा बेबी शैम्पू लें। और यदि नहीं है बेबी शैम्पू, तो आप सादे शैम्पू का पाउच भी ले सकते हैं, बेबी शैम्पू के भी पाउच मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने लहंगे को, दुपट्टे को इस पानी में खूब अच्छी तरह से डुबा दिया है, और दो चार बार हम इसे ऊपर नीचे करेंगे। मैं इस तरह से हाथों से इसे दबाती जा रही हूँ दोस्तों, कि जो भी मैल है वो निकल जाए। हल्के रंग के कपड़े बहुत ही जल्दी मैले हो जाते हैं, और बार बार ड्राई क्लीन कराना भी संभव नहीं है। और इस तरह से मैं इसके साबुन के पानी को हाथ से लेती जा रही हूँ, शैम्पू के पानी को, और हल्के हाथों से इस दुपट्टे के किनार को रगड़ लिया है। और जो लहंगा है दोस्तों, वो अंदर की तरफ से उसमें शॉटन का कपड़ा लगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मैला लग रहा है मुझे, तो मैं नीचे का जो बॉर्डर है लहंगे की, उसे हल्के हाथों से रब कर रही हूँ। ये देखिए, सीधी तरफ से मैं बिल्कुल नहीं रगड़ रही हूँ, उल्टी तरफ से मैं रगड़ रही हूँ, जिस तरफ से शॉटन का कपड़ा है, क्योंकि सीधी तरफ से हम रगड़ेंगे तो हो सकता है हमारे जरी के तार टूट जाएँ, या कोई सा धागा टूट जाए, या मोती निकलना शुरू हो जाए, इसलिए अंदर की तरफ से ही इसे रगड़े, क्योंकि लहंगा ज्यादातर नीचे बॉर्डर की तरफ से ही ज्यादा गंदा होता है। तो हल्के हाथों से मैंने इसे रगड़ दिया, और इस तरह से हाथों से दबा दबा कर ऊपर नीचे कर रही हूं एक दो बार। अब आप देख रहे हैं ये लहंगा बिल्कुल साफ हो गया है, और जो हमने शैंपू का यूज किया है दोस्तों, उससे हमारे कपड़ों में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये दुपट्टा बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल इसमें चमक आ गई दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल साफ़ पानी से खूब अच्छी तरह से खंगालना है। ये देखें, तो मैंने दो बाल्टी पानी की रखी है, साफ़ पानी की रखी है, जिसमें मैं इन दुपट्टे को और लहंगे को खूब अच्छी तरह से खंगाल लूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी शैम्पू का अंश ना रहे। किसी भी कपड़े को हमें कम से कम दो बार साफ़ पानी से खंगालना चाहिए, तभी उसका डिटर्जेंट या उसका शैम्पू निकलता है। और जितने महंगे कपड़े हैं आपके, सिल्क की साड़ियाँ, कभी भी आप डिटर्जेंट से बिल्कुल वॉश ना करें, डिटर्जेंट में कुछ ना कुछ मात्रा में ब्लीच होता है, ब्लीच से हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, खासकर रेशमी कपड़े। आप कॉटन के कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं, परंतु नाजुक कपड़ों में कभी भी इनका यूज़ ना करें। सिल्क में, रेशम में, नेट के कपड़ों को आप शैम्पू से ही वॉश करें, और हो सके तो थोड़ा सा हेयर कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब कपड़ों में चमक लाने के लिए दोस्तों, विनेगर, ये देख रहे हैं आप, सफ़ेद विनेगर है, वाइट विनेगर बोलते हैं जिसे, ये मात्र 25-30 रुपए की बॉटल आती है, तो वो मैंने एक से दो चम्मच इस टब के पानी में डाल दिया है, और इसमें मैं अब अपने इस लहंगे को और दुपट्टे को 10 मिनट के लिए डुबा कर रखूँगी। इससे क्या होगा दोस्तों, इस कपड़े में वैसे ही सॉफ्टनेस बनी रहेगी। अब मेरा ये वही दुपट्टा है जो कि बहुत मैला लग रहा था, और इसे ओढ़ने का मन नहीं हो रहा था, और अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसी तरह मैं इसी पानी में लहंगे को भी डुबा दूंगी। तो दोस्तों, इस तरह से घर पर आप शॉर्टन के लहंगे हो, चाहे नेट के लहंगे हो, उन्हें घर पर वॉश कर सकते हैं। तो मैंने इसे दीवार पर डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया है, इसलिए मैं इसे दीवार पर सूखने रख रही हूँ। दुपट्टे को भी मैं सूखने रख रही हूँ। बिल्कुल ही हमारा ये जो नेट का लहंगा है और दुपट्टा है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो क्यों ना हम घर पर ही इन्हें बहुत आसानी से वॉश कर लें, और विनेगर डालने से इनमें बहुत अच्छी चमक भी आ गई है दोस्तों, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे ये नरम भी हो चुके हैं।